नमस्कार दोस्तों, अनएकेडमी आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल कैटेगरी दैट इज़ जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी। आप 8th 10th में होते हुए अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो जेई नीट फाउंडेशन एंड एनटीएससी इस कैटेगरी में। इस कैटेगरी में आपका सिलेबस तो कंप्लीट करवाया ही जाएगा, बट साथ ही में आप अपनी जेई की प्रिपरेशन और नीट की अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं आपकी 8th 9th 10th की क्लास में ही। जी हाँ, इस क्लास में रहते हुए अगर आप आगे का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको आगे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और एक बात आपको बता दूं कि एक ही फीस के अंदर आपका जेई का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एक ही फीस के अंदर आपके आप अगर नीट में जाना चाहते हैं नीट का प्रिपरेशन भी हो रहा है, एक ही फीस के अंदर आपका एनटीएससी का प्रिपरेशन हो रहा है, एक ही फीस के अंदर आप जिस क्लास में हैं उस क्लास की बैचेस भी आप कर रहे हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको अनएकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। अगर आपने ऐप डाउनलोड किया और ऐप डाउनलोड करने के बाद में अगर आपसे कोई कोड पूछता है, पवन वाघ कोड डाल के आपको आगे जाना है और सीधे सीधे सब्सक्रिप्शन लेना है। आप जब सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको यहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आता है। मतलब एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ आप तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप रेट देख लेते हैं तो यहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि 21,000 है वो भी सिर्फ 24 महीने का, और यहाँ 17,500 है वो है सिर्फ 12 महीने का। मतलब अगर आप इस प्राइस में भी नहीं लेना चाहते, इससे भी कम में लेना चाहते हैं, तो आपको ये करना होगा कि पवन वाघ रिफरल कोड यूज़ करना होगा। जैसे ही आप पवन वाघ रिफरल कोड यहाँ पर लगाते हो, यहाँ पर ठीक है, तो आपका प्राइस जो है वो रिड्यूस हो जाता है। 17,500 जो 21,000 का 2 साल का है आपका कोर्स, वो आपको 18,900 में पड़ता है, और 17,500 का जो है वो 15,750 में पड़ता है। मतलब सीधे सीधे आप यहाँ पर डिस्काउंट आपको 10% का मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो डिस्काउंट है 10% से, ये जो डिस्काउंट है 10% से रिड्यूस हो रहा है अगले महीने 28 तारीख के बाद में, मतलब 28 फरवरी के बाद में ये 10% नहीं होगा, ये सिर्फ 5% होगा, और ये प्राइजेस भी हाइक होने वाली है, ये प्राइजेस बढ़ने वाली है। तो जितनी जल्दी हो सके आप सब्सक्रिप्शन लेकर अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर आप 8th 9th 10th में हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है आप सभी के लिए कि फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और फटाफट अपना स्टडी शुरू कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी, और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठी। दोस्तों, आज हम क्लास 11 के सेक्शन 2.1 के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो कि एक पोएम है जिसका नाम है चेरी ट्री, है ना, और इसके जो कवि है वो है रस्किन बॉन्ड। बहुत ही जाना माना नाम है हमारे भारतीय साहित्य में, एक बहुत ही बड़ा नाम है इंग्लिश के बारे में जहां तक बात है, बहुत ही बड़ा नाम है और बहुत ही जाने माने कवि और लेखक है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, और हम शुरू करते हैं पेज नंबर 65 की आइस ब्रेकर एक्टिविटीज के साथ। ठीक है, तो आइस ब्रेकर में पहला, ट्रीज आर रेवर्ड बिकॉज, ट्रीज आर रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब क्या होता है, REVERED, रेवर्ड, रेवर्ड का मतलब क्या होता है, रेवर्ड का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, है ना, मतलब क्यों आदर के पात्र होते हैं, पेड क्यों आदर के पात्र होते हैं, दे गिव अस जॉय, क्योंकि वो हमें खुशियां देते हैं, वो हमें आनंद देते हैं। नंबर एक। नंबर दो, वो क्योंकि जीवन का सबसे अमूल्य जो चीज है, जीवन की सबसे अमूल्य चीज जिसे ऑक्सीजन कहा जाता है, वो भी हमें पेड़ों के द्वारा ही मिलती है, इट गिव्स अस ऑक्सीजन। उसके बाद में वो हमें छाया देते हैं, शेड, ठीक है, उसके बाद में क्या देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं, तो पेड़ इन सारी चीजों को हमें देते हैं, और उसी के साथ साथ वो किसी भी जगह का सौंदर्य बढ़ाते हैं, दे एड टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, है ना, तो किसी भी जगह को वो बहुत ज्यादा अधिक सुंदर बना देते हैं, इसीलिए हम सब लोग पेड़ों का नितांत आदर करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो आइस ब्रेकर क्वेश्चन है, कॉलम ए शोज योर इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोइंग अ ट्री एज वेल एज द स्टेजेस इन लाइफ ऑफ अ ट्री, कॉलम बी शोज दैट द फीलिंग्स यू एक्सपीरियंस एट ऑल स्टेजेस मैच देम अप्रोप्रिएटली। देखो, इसमें एक कॉलम ए और कॉलम बी है। कॉलम ए में क्या दिया गया है कि जब एक पौधा हम लगाते हैं और वो जब पेड़ में तब्दील हो जाता है, तो उसके दौरान जो जो परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है उसको यहाँ पर दिया गया है। उसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 अलग अलग स्टेजेस दिए गए हैं, है ना,
एक बार पौधा लगाते हैं तो फिर वो कैसे बढ़ने लगता है, फिर उसको कैसे फूल आने लगते हैं, फिर वो कैसे और बढ़ता है, उसको फल आने लगते हैं। तो इस तरीके से फिर क्या होता है, इस तरीके से वो अलग अलग क्या कहते हैं उसको, परिस्थितियों से अलग अलग स्टेप्स में से होकर उसको गुजरना पड़ता है, और वो एक बाद में कहीं जाकर वो एक बड़ा पौधा, एक छोटा सा पौधा, एक बड़ा पेड़ बन जाता है। ठीक है, ये स्टेजेस हुए। और दूसरा जो है कि दूसरे कॉलम में, कॉलम बी में जो कुछ दिया गया है, उसमें हमको दिया गया है कि जब हर एक स्टेज को हम उसको निहारते हैं, उसको देखते हैं, तो हमारे अंदर क्या भावनाएं उत्पन्न होती है उसको हमने बी में रखना है, उसको देखना है। तो ये डम्बल डक है, इसको डायरेक्टली मैं लिख करके आपको बता देता हूँ कैसे है ना। चलिए, यू प्लांटेड अ सैपलिंग, जब आप एक पौधा लगाते हो तो क्या होता है, यू वॉन्टेड टू मेक अ हम्बल बिगिनिंग, आपको एक छोटी सी पर सही शुरुआत करनी है, इसलिए आप वो करते हो। तो ये यू वॉन्टेड टू स्टार्ट और बिगिन है ना, हम्बल बिगिनिंग, यू वॉन्टेड टू मेक अ हम्बल बिगिनिंग। वन ई, टू यू वॉटर्ड द प्लांट, आपने पौधे को पानी दिया, क्यों, बिकॉज यू केयर्ड फॉर इट। जी, यू केयर्ड फॉर इट मतलब आपको उस पौधे की चिंता थी। नंबर तीन, यू सॉ द शूट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार आपने देखा कि उस लगाए हुए पेड़ में कुछ नया नई पत्ती पत्तियां उसको आ रही है, तो नया शूट उसको आ रहा है, ये जब आपने देखा तो द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू। पहली बार जब आपने देखा कि मैंने लगाए हुए पौधे को नया पत्ता फूट रहा है, तो एक आपको खुशी इस बात की थी, क्योंकि ये नया अनुभव था आपके लिए, जिसने आपको बहुत ही खुश कर दिया, जिसने आपको बहुत ही एक्साइट कर दिया। चौथा, यू फेंस्ड द प्लांट, तो आपने उस पौधे के इर्द गिर्द एक उसको संरक्षण देने के लिए उसको आपने लगाया उसके इर्द गिर्द, तो क्या हुआ, यू फेंस्ड द प्लांट, से योर मोटिव वाज टू प्रोटेक्ट इट, है ना, फेंस किया है आपने तो उसका एफ है, क्योंकि आपको उसको सुरक्षित करना था, उसको संरक्षण देना आपकी भावना थी, तो आपने वैसा किया। द प्लांट ग्रेजुअली सॉ लश ग्रीन लीव्स ग्रो ऑन इट, और फिर पौधे पर धीरे धीरे हरी नई पत्तियां दिखने लगी, तो उससे क्या होता है, द कलर सिंबलाइजिंग लाइफ गेव यू फीलिंग ऑफ होप, और जैसे ही आपने उस पर हरी पत्तियां देखी, आपको वो हरा रंग, जीवन का रंग देखकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, और आपको ऐसी भावना आपके मन में जागृत हुई कि अभी तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब मैंने जो कुछ भी किया है उससे मुझे फायदा, मतलब फायदा तो ठीक नहीं कह सकते उसको, पर उसमें से कुछ ना कुछ तो निकल कर आने वाला है, कुछ ना कुछ सकारात्मक उसमें से निकलने वाला है, ये भावनाएं आपके मन में जागृत हुई। द ट्री हैड बर्ड्स टू, और पेड़ पर कुछ नए कलियां वहां पर उसको लगने लगी, गेव यू अ फीलिंग ऑफ जॉय टू सी प्रॉमिसिंग फ्यूचर, क्योंकि आपको जो भविष्य है वो सुनहरा लगने लगा था, कि आपको भी लग रहा था कि अभी जो भविष्य है इस पेड़ का वो बहुत ही सुनहरा भविष्य होगा, तो उस क्यों ऐसा लग रहा था, क्योंकि उस पर नई कलियां आपको दिख रही थी, और उससे आपकी ऐसी भावनाएं हुई, आपकी भावना ऐसी हुई कि ये तो पेड़ अभी एक बहुत ही बड़ा होने वाला है, और इसको बहुत ही ज्यादा फल लगने वाले हैं, ऐसी आपकी भावना। और आखिरी, द बर्ड्स मेड अ नेस्ट ऑन द ट्री व्हिच वाज फुल्ली ग्रोन एंड लेडन विद फ्लावर्स, यू वर हैप्पी एंड सैटिस्फाइड बिकॉज you experienced what you had often heard that small beginnings can lead to great achievements, hai na, to kya hua ki aapne jab usko dekha, usko dekhne ke baad aapke mann mein kya bhavna hui ki jab wahan par panchi aane lage, apne ghar us par banane lage, ye sari cheeze hone lagi, to aapko kya mehsoos hua ki aapko lagne laga tha ki abhi to bahut ho raha hai, aur usse aapko ek santosh भी मिल रहा था कि मैंने शुरुआत जो की थी वो तो बहुत छोटी सी शुरुआत थी, पर
उस छोटी सी शुरुआत की वजह से ही आज ये बड़ा पौधा बन पाया है या पनप कर बड़ा हुआ है ना। ये सारी आइस ब्रेकिंग एक्टिविटी है, इसको आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कविता की ओर। बढ़ने से पहले कवि के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रस्किन बॉन्ड के अंग्रेजी साहित्य, इंग्लिश लिटरेचर में खासतौर पर इंडिया में बहुत ही जाना माना नाम है। भले ही नाम हमें थोड़ा सा पाश्चात्य लगता है, पर वो भारतीय व्यक्ति है ना। रस्किन बॉन्ड, बॉर्न इन कसौली हिमाचल प्रदेश इन 1934, रस्किन बॉन्ड हैड रिटन हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेलास एंड मोर देन 30 बुक्स फॉर चिल्ड्रन। उनका जन्म 1934 में कसौली हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और उनके द्वारा लिखी गई जो संपदा है वो बहुत बड़ी है। He had written hundreds of short stories, बहुत सारी सैकड़ों लघु कथाएं उन्होंने लिखी है, essays, उन्होंने निबंध भी लिखे हैं, novellas, छोटे छोटे जो novels होते हैं उनको novellas कहा जाता है, तो उनको उन्होंने novellas भी लिखे हैं, and more than 30 books for children, और उनकी जो संपदा है 30 से भी ज्यादा किताबें उन्होंने बच्चों के लिए लिखी है। तो इसीलिए मैं जब कहता हूँ कि वो एक बहुत ही जाना माना, बहुत ही बड़ा नाम है, उसका कारण ये है कि उनके पीछे उनके नाम पर इतनी सारी किताबें दर्ज हैं। His first novel, The Room on the Roof, और उनकी जो पहली किताब उन्होंने लिखी थी जिसका नाम था The Room on the Roof, written when he was 17, received the John Llewellyn Rice Memorial Prize in 1957. और उनके द्वारा पहली जो किताब लिखी गई थी जिसका नाम था The Room on the Roof, ये उन्होंने अपने उम्र की 17वें साल में लिखी हुई पहली किताब थी। 17वें साल में उन्होंने किताब लिखी, और सिर्फ लिखी ही नहीं तो वो इतनी प्रसिद्ध हुई कि उसको एक एवलिन, जॉन लेवलिन राइज मेमोरियल प्राइज भी उसको मिला था 1957 में, है ना, 1957 में उसको प्राइज भी मिला था। मतलब इतनी गुणवत्तापूर्ण वो किताब होगी, इसको आप सिर्फ सोच सकते हो। He has also published 2 volumes of autobiography, और उन्होंने खुद की आत्मचरित्र के भी 2 खंड उन्होंने प्रकाशित किए हैं। Since from a writer's life and the lamp is lit, a collection of essays and episodes from his journal, और ये जो 2 आत्मचरित्र किताबें उन्होंने लिखी है, उसमें एक है Since from the writer's life and the lamp is lit, 2 किताबें उन्होंने लिखी है, a collection of essays and episodes from his journal, और उन्होंने क्या किया है, उनके लेखन में जितने भी कुछ निबंध उन्होंने लिखे उसमें से ही बहुत सारे वाक्य, बहुत सारी घटनाएं उन्होंने उसमें से ली है। In 1992 he received the साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश राइटिंग इन इंडिया। देखो, भारत के जितने भी लेखक है, कोई भी भाषा में लिखने, कोई भी भाषा में उनको लिखने दीजिए, भले वो मराठी में लिखते हो, कोई क्षेत्रीय भाषा में लिखते हो, हिंदी में लिखते हो या अंग्रेजी में लिखते हो, हर एक साहित्य को, साहित्यकार को कुछ पारितोषिक दिया जाता है, कुछ बख्शिश उनको मिलती है, कुछ अवार्ड्स उनको दिए जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था 2 बहुत ही जाने माने अवार्ड है। एक है ज्ञानपीठ, है ना, सबसे बड़ा साहित्य के लिए भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पारितोषिक है ज्ञानपीठ पारितोषिक, और दूसरा है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी पारितोषिक, सो ये 2 है, तो साहित्य अकादमी पारितोषिक उनको मिला है अपने लेखन के लिए, इंग्लिश में अपने लेखन के लिए उनको मिला है 1992 में। He was awarded the Padma Shri in 1999, और 1999 में उनको Padma Shri से भी नवाजा गया है। Ruskin Bond lives with his adopted family in Masuri, Uttarakhand, और आज वो उत्तराखंड के मसूरी में वो रहते हैं, और वो किसके साथ रहते हैं, तो अपनी एक
गोद ली हुई फैमिली उनकी है ना, उनकी एक एडॉप्टेड फैमिली है, उस फैमिली के साथ वो मसूरी में आजकल रहते हैं, उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। द पोएम चेरी ट्री इज अबाउट द पोएट्स एक्सटेसी ओवर अ ट्री शी प्लांटेड व्हिच टुक 8 इयर्स टू ग्रो। और ये जो कविता है, प्रस्तुत कविता है, इस कविता में उनकी जो भावनाएं, उनके जो विचार है या उनकी अंदर जो फीलिंग्स है, किस चीज की, उन्होंने अपने हाथों से लगाया हुए एक पौधे के लिए उनके मन में जो भावनाएं हैं, और वो भावनाएं सिर्फ एक किसी चीज तक सीमित नहीं है, तो वो बहुत एक्स्टैटिक है। एक्स्टैटिक मतलब क्या होता है? एक्सटसी है ना, उसको क्या कहते हैं? एक्सटसी। एक्सटसी मतलब आत्यंतिक आनंद की भावना है ना, बहुत ही ज्यादा आनंद पूर्ण भावना वो होती है, एक्सटसी की कहते हैं। तो ये जो पेड़ उन्होंने लगाया है, ये पौधा जो उन्होंने लगाया है, उसको बढ़ते हुए देखकर और एक 8 साल के बाद वो एक बड़े पौधे में तब्दील होने के बाद जो उनके मन में भावनाएं हैं, वो उन्हीं भावनाएं उन्होंने इस कविता में दर्ज की है, इसी को उन्होंने लिखा है, या फिर उसको पेन डाउन किया गया है, ऐसा हम तो उसको कह सकते हैं। तो ये जो भावनाएं उनके मन में उमड़ रही है, ये जो भावनाएं उनके मन में आंदोलित हो रही है, उन्हीं भावनाओं को उन्होंने इसमें लिखा है। तो चलिए फिर हमको देखना है। इट टुक 8 इयर्स टू ग्रो, और ये पेड़ एक दो दिन में, साल में, 2 साल में नहीं बढ़ा है, उसको तो 8 साल लगे हैं एक छोटे से पौधे से लेके बड़े से पेड़ में तब्दील होने के लिए, उसको कम से कम 8 सालों का वक्त लगा है। ही इज एक्सप्रेसिंग हिज वंडर एट द वेज ऑफ नेचर एंड हाउ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल। और उनको इस पेड़ के बढ़ने में एक अचंभा उनको हो रहा है, उनको थोड़ा सा अचंभा भी हो रहा है कि एंड द वेज ऑफ नेचर एंड हाउ, और किस तरह से ये प्रकृति जो होती है, प्रकृति अपना काम करती है, और हर एक को प्रकृति अपना एक क्या कहते हैं, एक संधि देती है, एक अपॉर्चुनिटी देती है कि सभी को वो आगे बढ़ने के लिए मौका प्रदान करती है। हाउ द चेरी ब्लॉसम्स आर फ्रेजाइल एंड क्विक टू फॉल। और देखिए उस पे आने वाले नए नए जो नए लगने वाले फूल है, मतलब कलियां है, या फिर नए फूटने वाले पत्ते हैं, वो सारे इतने फ्रेजाइल मतलब इतने नाजुक होते हैं कि जैसे मानो वो कभी भी गिर पड़ सकते हैं, कभी भी वो वहां पेड़ से टूट कर नीचे गिर सकते हो, है इतने वो नाजुक होते हैं। ट्री गिव्स हिम इमेंस जॉय एज ही कैन सी द स्टार्स एंड ब्लू स्काई थ्रू डैपल्ड ग्रीन ट्रीज। ये पेड़ उनको बहुत ही आनंद देता है, क्योंकि वहां पर नीचे बैठे बैठे ऊपर देख करके उस पेड़ की छत में से, जहाँ कहीं भी वो डैपल्ड मतलब ऐसे कहीं पर घना है, कहीं पर थोड़ा सा विरला है, तो उसमें से वो आकाश को देख सकते हैं, और उस आकाश को देखने में जो उनको आनंद प्रदान होता है, आनंद मिलता है, उसी भावनाओं को लेकर उन्होंने ये कविता लिखी है। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं कविता पढ़ लेता हूँ पूरी तरह से, और फिर बाद में एक एक दो दो लाइंस का एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कविता के साथ। चेरी ट्री। 8 इयर्स हैव पास्ड सिंस आई प्लेस्ड माय चेरी सीड इन द ग्रास, मस्ट हैव अ ट्री ऑफ माय ओन आई सेड एंड वॉटर्ड इट वंस एंड वेंट टू बेड एंड फॉरगॉट। But cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. And suddenly, that summer near the end of May, I found the tree had come to stay. It was very small, 5 months child, lost in the tall grass running wild. Boats ate leaves, the grass cutter scythe, split it apart, and a monsoon blight shriveled the slender stem. Even so, next spring I watched tree new shoots grow. The young tree struggle upward thrust its arms in a fresh fierce lust for light and air and sun. I could only wait as one who watched wandering while time and the rain made a miracle from green growing plane. I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor,
greeted by a cherry tree at my door. 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry. Ripened and jeweled in the sun, hung from a branch, just one. And next year, there were blossoms small, pink, fragile, quick to fall. At the merest breath, the sleepiest breeze, I lay on the grass at ease, looking up through leaves at the blue blind sky, at the finches as they flew, and filtered and flitted through the dappled green, while bees in ecstasy drank of nectar from each bloom, and the sun sang. Swiftly and the stars turned in the sky, and the moon, moths, and singing crickets, and I praise night stars and tree, that small the cherry grown by me. ठीक है, तो ये कविता है. इस कविता को अब हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या वो कहते हैं. छोटी आसान भाषा में आपको अगर कहा जाए तो वो किस तरह से उस पौधे का एक पौधे की यात्रा एक छोटे से बीज से लेकर बड़े से पेड़ में तब्दील होने तक की उसकी जो यात्रा है उसको उन्होंने इस कविता में बयां किया है, उसको लिखा है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass. वो कहते हैं कि 8 साल पहले मैंने एक बीज अपने आंगन में घास के बीच में कहीं पर मिट्टी में दबा दिया था. Must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed. और मैंने सोचा कि भाई क्यों ना मेरा भी खुद का एक पेड़ हो. ऐसा सोचकर मैंने एक चेरी का बीज लिया और उसको जमीन में गाड़ दिया, उसको एक बार पानी दे दिया और फिर मैं सोने चला गया. And forgot, but cherries have a way of growing, though no one's caring very much or knowing. और फिर मैं उसको भूल गया. एक बार मैंने वो बीज लगा दिया, मिट्टी में दबा दिया, उसको पानी दिया, मैं फिर सोने चला गया और उसके बाद मैं उस चेरी के बारे में भूल गया. पर चेरी आसानी से मानने वाला नहीं था, वो तो उसमें से बीज में से एक पौधा छोटा सा निकल कर आया. भले ही उसकी ओर कोई ध्यान दे ना दे, चेरी तो अपना बढ़ते रहने वाला था. दो नो वन्स केयरिंग वेरी मच और नोइंग. And suddenly that summer, near the end of May, I found a tree had come to stay. और फिर मई के महीने में जब भारत में हम कह सकते हैं कि बहुत ही गर्मी पड़ती है उस समय पर, ये उत्तर भारत में रहते हैं जहाँ पर इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर सारी बर्फ जमी होती है ठंडी के दिनों में, और गर्मी के दिनों में फिर घास वगैरह उगनी शुरू हो जाती है. तो उस समय मई के महीने में जब मैंने उसको देखा तो मैंने जान लिया था कि ये पौधा अभी कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं पर रहने वाला है और ये बड़े से पेड़ में तब्दील होने वाला है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था. इट वॉज वेरी स्मॉल, 5 months चाइल्ड, लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड. पर अभी तक वो सिर्फ 5 ही महीने का हुआ था और बहुत ही छोटा था, और वहां पर सारी जंगली घास उगकर उसके भी ऊपर चली जा रही थी. What said the leaf, the grass cutter scythe, split it apart and the monsoon blight shriveled the slender stem even so. है ना? और क्या हुआ कि घास खाती खाती बकरियां उसे भी खा गई, उस पेड़ की पत्तियों को खा गई, और जब वो घास काटने वाली मशीन वहां पर आई तो उसके ब्लेड ने उस पेड़ को भी काट डाला. और जब बारिश के दिन शुरू हुए तो बारिश के दिनों में वो बहुत ही ज्यादा उसको दुख पहुंचा, क्योंकि उसने पूरा पेड़ तहस नहस कर दिया था. इवन सो, इसके बावजूद, नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच द ट्री न्यू शूट्स ग्रो. मैंने जब अगले मौसम में उसको देखा तो मुझे दिख रहा था कि उसमें नई पत्तियां फूट कर उग रही है, नई शाखाएं उसको फूट रही है, ये मैंने देखा. The young tree struggled upward thrust, its arms in a fresh fierce lust. और फिर मैंने देखा कि ये छोटा सा जो पौधा मैंने छोटा सा बीज मैंने लगाया था, जो पौधे में तब्दील हुआ था, अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, वो जवान हो रहा था, और अपवर्ड थ्रस्ट मतलब जैसे कि वो आकाश की ओर
बहुत ही जोरों से बढ़ रहा था। फियर्स लस्ट, फियर्स मतलब बहुत ही एग्रेसिवली, बहुत ही जोरों शोरों से वो आगे बढ़ रहा था। फॉर लाइट एंड एयर एंड सन आई कुड ओनली वेट एज वन, और जैसे वो घास में से हवा के लिए, पानी के लिए और सूर्य प्रकाश के लिए आगे आगे बढ़ रहा था, वैसे मैंने सिर्फ मैं उसको देख ही सकता था, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं सिर्फ उसको देख रहा था बढ़ते हुए। हू वॉच्ड वंडरिंग व्हाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मिरेकल फ्रॉम ग्रीन ग्लोइंग प्लेन, और मैं सिर्फ उसको देख रहा था और मैं घूम भी रहा था, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, फिर से वापस वहां पर आ रहा था, फिर घूम रहा था, लेकिन मैंने देखा कि कैसे बारिश की वजह से और उसको समय देने की वजह से वो पौधा धीरे 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 बढ़कर एक पेड़ में तब्दील हो रहा था। ग्रीन ग्रोइंग पेन, ग्रीन ग्रोइंग पेन क्यों कहा गया है यहाँ पर, तो ग्रीन ग्रोइंग मतलब वो हरा पेड़ है, और पेन क्यों कहा गया है कि उसको बहुत सारे दुख इस यात्रा में झेलने पड़े हैं, है ना, ग्रीन ग्रोइंग पेन। ग्रीन ग्रोइंग मतलब ये पेड़ है, और पेन मतलब उसको जितने भी कुछ उसको जितनी चीजें उसको झेलनी पड़ी थी, जितनी चीजें उसको इस दौरान उसकी यात्रा में उसको झेलनी पड़ी थी, उसको उन्होंने पेन कहा है, मतलब बहुत सारी चीजें। देखिए हमने देखा कि कैसे ब्लेड ने उसको काट दिया, कैसे बारिश की वजह से वो पूरा तहस नहस हो चुका था, पर फिर भी उसने हार नहीं मानी और वो डटा रहा और धीरे 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 बढ़ता रहा। I went away next year, spent a season in Kashmir, came back thinner, rather poor, but richer by a cherry tree at my door. पर अगले साल मैं कश्मीर चला गया और वहीं पे रहा, पर जब मैं लौटा तो मैं थोड़ा सा दुबला हो चुका था, पर भले ही मैं दुबला हो चुका था, पर मेरे यहाँ पर मेरे घर के बाहर आंगन में एक नया पौधा मुझे मिल गया था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा और अमीर खुद को मान रहा था। 6 feet high, my own dark cherry, and I could scarcely believe it a berry. और फिर मैं देख रहा था कि किस तरह से वो पेड़ 6 feet का हो गया था और उसको थोड़ी सी चेरियां भी, उसके फल भी उसको लग रहे थे। Ripened and jeweled in the sun, hung from a branch just one. और मैंने देखा कि एक उसके शाखा पे एक बेरी का फल वहां पर लटक रहा था, जो अभी पका हुआ था और बारिश की और धूप की वजह से वो पूरी तरह से पक चुका था। एंड नेक्स्ट ईयर देयर वर ब्लॉसम्स स्मॉल, पिंक, फ्रेजाइल, क्विक टू फॉल, और अगले साल तो उसको बहुत ही ज्यादा नई क्या कहते हैं, नई कलियां उसको लग चुकी थी, बहुत ज्यादा पिंक, फ्रेजाइल, क्विक टू फॉल, लेकिन वो कैसी थी, पूरी गुलाबी रंग की वो कलियां थी और वो इतनी नाजुक थी कि ऐसा लग रहा था मानो किसी चीज से वो नीचे गिर पड़ेगी। एट द मियरेस्ट ब्रीथ, एट द मियरेस्ट ब्रेथ, द स्लीपीएस्ट ब्रीज, थोड़ी सी हवा का थोड़ा सा धोखा भी अगर आ जाए तो वो पूरा का पूरा नीचे गिरेगा, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा था, ऐसा दिख रहा था कि वो किसी भी क्षण थोड़ी सी हवा से भी वो नीचे गिर जाएगा। आई ले ऑन द ग्रास एट ईज, लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू ब्लाइंड स्काई, एट द फिंचेस एज दे फ्लू, और फिर मैं अपने घर के बाहर आंगन में अपनी घास पर लेटा हुआ था, मैं ऊपर देख रहा था तो ऊपर मुझे पेड़ के छत में से मुझे वहां पर पक्षी उड़ते हुए दिख रहे थे, और उसमें से मैं देख रहा था कि आगे उसके ऊपर नीला आकाश मुझे दिखाई पड़ रहा था। एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल्ड ग्रीन लाइक बीज इन एन एक्सटेसी ड्रैंक ऑफ नेक्टर फ्रॉम ईच ब्लूम एंड द सन सैंग, और फिर मैं देख रहा था कि किस तरह से वो क्या मधुमक्खियां वहां पर आ रही है और उस फूल में से वो मधु मतलब हनी वो खा रही, उसमें से ले रही है और वहां से उड़कर जा रही है, और दूसरी बाजू पर वो सूरज भी ढलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। स्विफ्टली एंड द स्टार्स टर्न इन द स्काई, और फिर धीरे धीरे सूरज का प्रकाश डाकर के वहां पर धीरे धीरे तारे भी आकाश में दिखने लगे। एंड मून मॉथ्स एंड सिंगिंग क्रिकेट्स, और फिर मैंने
रात कीड़ों की आवाज सुनाई पड़ी मुझे, वो रात कीड़ों की आवाज सुनाई देने लगी और दिन रात में तब्दील हो गया था। दिन पूरा ढल करके रात में परिवर्तित हो गया था। एंड आई यस आई प्रेज नाइट एंड स्टार्स एंड ट्री, और मैं वहीं पर लेटा हुआ इस सारे नजारे को देख रहा था और मन ही मन मैं उसको दुआएं दे रहा था, उसको मैं प्रेज कर रहा था, उसको उसकी मैं प्रशंसा कर रहा था। दैट स्मॉल चेरी ग्रोन बाय मी, और उसी के साथ साथ मेरे पास में जो एक छोटा सा पेड़ जो अब तक बड़ा हो चुका था, उस पेड़ को भी मैं दुआएं दे रहा था, उसकी भी प्रशंसा कर रहा था। मेरे अंदर उनके दोनों की वजह से जो आनंद उत्पन्न हुआ था वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। तो ठीक है, देखो ये एक कविता छोटे से, जैसे मैंने कहा कि एक छोटे से बीज से लेकर बड़े से पेड़ में तब्दील होने तक की चेरी के पेड़ की यात्रा कवि ने हमें यहाँ पर बयां की है, उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। तो किस तरह से उनकी वो भावनाएं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि किस तरह से वो भावना उनकी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रही होगी, इसीलिए उन्होंने उसको कविता में ढाल दिया है ना। तो आशा करता हूँ कविता आपको समझ में आ चुकी होगी। तो इसका अगला सेशन हम लेंगे जिसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हम कंप्लीट करेंगे। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अच्छा लगा तो लगा है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत सारे वीडियोस इसी तरह से पाने के लिए पवन भाग एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद, थैंक यू।